में सुशासन के कथित दावे और पुलिस की तमाम चौकसी का घट्टा बताते हुए अपराधियों ने दरभंगा शहर में दिन दहाड़े लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया है। इस दौरान कई राउंड फायरिंग की बात की सामने आई है। बताते चले कि 25 से 30 राउंड फायरिंग भी हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बुधवार को दिन दहाड़े दरभंगा के एक स्वर्ण व्यवसायी के दुकान पर तावातोर फायरिंग कर अपराधियों ने 10 करोड़ के गहने लूट लिए। घटना दरभंगा के बड़ा बाजार के लाठ मार्केट में अहंकार ज्वेलर्स में हुई है। लूट के बाद अपराधी आराम से फरार हो गए। अपराधी जो बड़े व्यापारी थे और बड़ी लूट थी। अपराधियों में प्रशासन का भय कम होता जा रहा है। अपराधियों में प्रशासन का भय होना चाहिए। और इतनी बड़ी घटना घटी दिन दहाड़े 10:15 बजे, ये सोचनीय विषय है। प्रशासन को अभिलंब इतनी बड़ा घटना सोच रहे हैं उससे बड़ी लूट तुरंत प्रशासन को जो सोना लूटा गया उसको रिकवरी करना चाहिए, अपराधियों को पकड़ना चाहिए, इस घटना को चुनौती के रूप में लेना चाहिए। क्योंकि अपराधियों ने तो चुनौती दी है प्रशासन को, 10:15 बजे बीच बाजार में बड़ी बाजार में इतना बड़ा लूट का अंजाम देना, ये तो चुनौती है। कई राउंड गोली चली है, कम से कम 20 राउंड से ऊपर गोली। सर कितने की लूट होगी? कितने से कम 25 मिनट हो गया होगा। तब ये 10:25 के आसपास की घटना है और मुझे लगता है 11 बजे के बाद पुलिस आई होगी। 11 बजे 10:50 आधे घंटे के बगल में थाना है, टावर में पुलिस रहता है, चारों बगल भर दिन मास्क के लिए जांच करता है। और तब इतना टाइम लगना, इसको प्रशासन को चुनौती के रूप में लेना चाहिए। सारा माल रिकवर होना चाहिए, अपराधी पकड़ाना चाहिए। ये धीरे धीरे अपराधियों में प्रशासन का भय जो कम हो रहा है, ये सही बात है। है और कहा आप लोग कब सीज कर रहे हैं? यहाँ एक नगर थाना अंतर्गत एक बड़ा बाजार एक जगह है। यहाँ एक ज्वेलर के यहाँ भी 5 अपराधियों ने कुछ सोने की लूट की है, इसीलिए मैं यहाँ घटनास्थल पे हूँ और सब जानकारी ली जा रही है। CCTV फुटेज में भी कुछ पहचान हो गई है। उम्मीद है जल्दी ही गिरफ्तारी भी हो जाएगी और बरामदगी भी हो जाएगी। इस तरह की घटना कभी भी बिना प्लानिंग के बिना लाइनर के नहीं होती है, लेकिन उसका जल्दी ही उद्भेदन कर लिया जाएगा।